हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। डीजे भाई, चौधरी साहब को बुलाने से पहले मैं आपको एक लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात बताना चाहता हूं। चाय तो हम बनाते ही हैं घरों में, पतीलों में, पतीलियों में, सॉस पैन में। हमारे इसी लव को नेस्ले एवरीडे खास मिक्स चाय वालों ने दुनिया में एक अजीब तरीके से पेश किया है। एक बहुत बड़ा उन्होंने पतीलू बनाया, यानी सॉस पैन, उसमें हजारों लोगों के लिए चाय बनाई, और जिसने भी वो चाय का सिप लिया उसने जरूर ये कहा कि नेस्ले एवरीडे खास मिक्स चाय वालों, थैंक यू। ठाकुर साहब, नेस्ले एवरीडे खास मिक्स चाय तो इतनी मशहूर है कि जड़ी चंद ते माई रहिंदी ओदा मैनूं मैसेज आया कि दो कप इत्थे भी भेज दे। आप भी चाय पिए? मैं भी चाय पीता हूं, नेस्ले एवरीडे खास मिक्स चाय। ओ माई गॉड, आज भी उतनी गर्म। बस यही कहना है अभी कैप्टन चीफ लाने वासे चौधरी। दुनिया भर में जहां भी मजाक रात देखा जा रहा है, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, इश्के ममनून दे राइटर लग रहे थे। आपने टर्किश जोगत मारी है मुझे। है आप आज लग भी वो ही रहे हैं टर्किश। मगर आप मुझे बताइए कि आप क्यों नहीं टोपी पहनते? ज्यादा इंजम नहीं कर सकता, उतर ना जान। आप वो जगह दिखा रहे हैं जहां ज्यादा रकम लगी हुई है। सर नहीं, इधर है डिफेंस, ए देखो मुगलपुरा। आप बता रही है शोगलपुरा। पहनता हूँ कि अमान साहब को बहुत अच्छी लगती है कैप। माशाल्लाह। दो शख्सियत ऐसी हैं जिनको ये कैप जची जी। किसको? एक मुनव्वर शरीफ साहब, उनके बाद अमानुल्लाह साहब। वाह वाह वाह। लेकिन सर दो शख्स ऐसे ने जिन्होंने वो कैप बुरी लगी है। अच्छा। एक मेरे ताए दा मुंडा अनवर, दूजा ठाकर साहब। लेकिन आज आप प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्यारे लग रहे हैं, उनकी हम छड़ ही किधर टेंशन दे। अच्छे चौधरीयां दा बच्चा साडे काम च आ गया, वेरी गुड। काम कर लोगे फिर हुण तुहानूं जन्नियां भी मंगणियां आ जाणगियां। बहुत हसत कर रहे हैं जो मेरे आने पे उन्होंने तालियां बजाई उसकी वजह से। नहीं, आपके फैन तो हैं माशाल्लाह बच्चे, माशाल्लाह आप हैं भी सुखो। वैसे अगर जेन्युइन देखा जाए जी सर, ये पूरे सिनेरियो के अंदर जी सर सबसे अच्छे ड्रेसिंग जो है वो हिना की है। हिना, आपने ये काला जोड़ा किसकी फरमाइश पे पहना? आपकी। मेरी इतनी मानती हो? हाँ जी मानती हूँ। 10,000 धारा मिल जाएगा? नहीं। ऐ हो जे अवारा मुंडे लड़कियां नाल इश्क करदे ने, वाइंड अप दी मुलाकात दे कहंदे ने आइंदा तो तूने मुझे मिलना नहीं, टैंकी फुल करवा दो। एडी महंगी घड़ी पाई जे तुसी, माशाल्लाह पूरे महल्ले नूं टाइम दस दे। यार आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे आज प्यारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं की करा, मैं कपड़े फाड़ दें की करा? कोई ऐसी गल करो सी सारे रल के पाड़िए। नहीं फिर अगर बात ये है और आप फॉर्म में हैं तो मेरे ख्याल से आज के मेहमानों को बुला लेना चाहिए। जी सर। सर हमारे पहले मेहमान जो हैं वो एक एंकर हैं, किसी जमाने में हल्की सी एक्टिंग भी की थी लेकिन फिर वो वापस एंकरशिप पे आ गए। उसके अलावा वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और वर्कशॉप्स भी कराते हैं वर्ल्ड लीडर्स को। एक ऐसा चेहरा है जिनको पिछली दो दहाइयों से ज़्यादा हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं और इनको जब भी देखा हमने बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हुए पाया। एंड इज़ वन ऑफ दोज एंकर्स जिनको आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका बड़ा भाई आपसे बात कर रहा है, आपको समझा रहा है, मगर इनकी किस्मत ख़राब कि आगे छोटा भाई हम जैसा होता है। तो बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं आप सबकी तालियों में, जनाब तौसीफ हैदर। तौसीफ साहब का साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, उनका भी ताल्लुक इस्लामाबाद से है, आज बहुत ही फेडरल शो होने वाला है। वैसे तो डॉक्टर हैं लेकिन गाती हैं और क्या कमाल गाती हैं, मोहतरमा डॉक्टर मासूमा अनवर। माशा
माशाल्लाह जी आज दोनों ही गेस्ट नफीस प्यारे, क्या बात है, और हमारे पुराने दोस्त भी हैं। अरे अल्लाह इनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह क्या बात, बंद स्कूल दे हेडमास्टर लग रहे ने तौसीक भाई, माशाल्लाह प्यारे लग रहे ने ना। अच्छा। आज ते मेनू सारे प्यारे लग रहे ने, लेकिन मैं शेर मसूमा जी वास्ते, बेवफा कहने से पहले मेरी रग रग का खून निचोड़ लेना। बेवफा कहने से पहले मेरी रग रग का खून निचोड़ लेना, अगर फिर भी वफा ना मिले तो मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। मसूमा जी का मैं फैन हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी, इन्हों के गाने बहुत अच्छे तरीके ने मैं वेखदा। यकीन करो जिवें आशा गुलाल मैसेज नहीं वेखदी। जबकि इनके गानों में ऐसा कुछ नहीं होता। गाना इन्हों का लगता मेरा दिल करता दाढ़ी बधा ला। ये क्या बात है, आपके इन्होंने सिर्फ वही वाले गाने सुने हुए हैं, अब कुछ और सुनाना पड़ेगा मुझे। आप इनको कुछ और सुनाए ताकि इनका ये जो माहौल है ये तो खत्म होना। बिल्कुल। अरे को लंबी जुदाई तो गाया ना आपने। वो मैंने नहीं सुना। हाँ हिडन मैसेज आप कभी नहीं सुनते, मगर तौसीफ भाई क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर। 93 में आगाज हुआ। मैं बहुत पुराना बल्कि फटा पुराना हूँ। 1987 में, यानी कि 30 साल मुकम्मल कर चुके हैं माशाल्लाह आप इस फील्ड के अंदर अपने। बिल्कुल। और ये जो एनर्जी है और ये जो ताजगी है ये आज तक बरकरार है। हाँ। ये इसकी वजह क्या है? लगता बिल्लियां दी यखनी पींदे ने। वो दसंगे ना। नहीं, जानवरों से दोस्ती करें। वो तो हमने भी कर ली। आप इस बात से अंदाजा लगा कि शेर बांधा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ ਸ਼ੇਰ? ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਾਨਵਰੋਂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਦਰਖਤੋਂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ। ਦਰਖਤੋਂ ਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ? ਦਰਖਤੋਂ ਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ। ਹਮ ਅਸਲ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੋਂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਮਾਰ ਖਾਤੇ ਹੈਂ। ਮਸਲਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, वो जवाब देगा। अच्छा तो दरख्त हो गए और जानवर हो गए, और किसी से दोस्ती नहीं, बस ये काफी है। दो ये दो दोस्ती मतलब इंसानों से नहीं करनी, जानवर और दरख्त। इंसानों से भी करें लेकिन इंसानों से धोखा मिलता है, जानवर और दरख्त से धोखा नहीं मिलता। दरख्त ने कड़ाई से लोड मांगना होता। मैंने सुना कि आप दरख्तों से बातें करते हैं। मैं बातें करता हूँ। है? आप क्या बातें करते हैं दरख्तों से? भाई दरख्तों से मैं उनका हाल अहवाल पूछता हूँ तो वो मेरा हाल अहवाल पूछते हैं, फिर वो मुझे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं, मैं अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता हूँ। बड़ी जबरदस्त गप लगती है दरख्तों से। दरख्तों अपनी जिंदगी दी गल्लां कहंदे जी। दरख्तों में जाके कहंदे ने कि यार तुम्हारी भाभी मुझसे डरती नहीं, मैं क्या करूं। दरख्तों को कह रहा हूं मेरी लकड़ का डंडा बना के एक बार फेंटी लाओ। मगर वैसे दरख्तों से क्या आपको आगे से दरख्त कैसे जवाब देता है? उते चुड़ैलां रहंदियां ने ना। मगर खान साहब बड़ी अजीब जी गल है, दरख्त मतलब नहीं नहीं, दरख्त जो है उनके अंदर आप जाएं, उनके अंदर आपको मुख्तलिफ शेप्स नजर आएंगे, आप उनसे सवाल पूछें, वो अपनी मुख्तलिफ फॉर्म से अपनी शक्ल से आपको जवाब देंगे। आप ट्राई करके देखें, कभी आए मेरे साथ। दरख्त नु कह रहे यार बताओ मेरे कजन की शादी है, तुम्हारा फर्नीचर कैसा रहेगा? आप भी करती हैं दरख्तों से बातें? नहीं नहीं अजय नहीं, मरीजों से ही बात करती हूं। मरीजों से बात करती हैं आप? मगर वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है कि दरख्तों से गुफ्तगू होती है इनकी? आप चलें कभी मेरे साथ जंगल? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने नहीं जाना, एडी मुश्किल ना जंगल जो तो ऐसे इतने लग गया है। हाँ मतलब शहरी दरख्त की बात करते हैं, जंगल वाले करते हैं सिर्फ। शहरी दरख्त मैंने अपने दफ्तर में जो कमरा है मेरा सेकंड फ्लोर पे, और जो नीचे से दरख्त हैं उनकी शाखें बिल्कुल कमरे के खिड़की से नजर आती हैं, और मैं कभी जरा ऐसी स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो मैं टर्न करता हूँ, खिड़की खोलता हूँ, दरख्तों से बातें करता हूँ। दरख्तों ने वैसे की गल की कर दे जी, तुसी समझो मैं दरख्त हूँ, पूछो मैं इन्हें, पूछो तो किसी ने पानी पाया यार, ये पाकिस्तान का क्या बनेगा? एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ही नाम होगा। क्योंकि सारियां कौमां ने तरक्की करके चंद ते चले जाना, असीं कल्ले ने खजल होना। ये जो आप दरख्तों से बातें करते, फिर तो आप वो खैबर पख्तूनख्वा के 2 बिलियन वाले प्रोजेक्ट से बहुत खुश होंगे। नहीं मैं जहां भी दरख्त लगाया जाए उससे खुश होता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा
میں زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ درخت کو کاٹا نہ جائے۔ اے تے درخت نو بھی جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تھگے ہو گئے، میں آپ کے لیے نیسلے ایوری ڈے خاص مکس چائے کا کپ لے کے آؤں۔ مگر ویسے پھر تو آپ لاہور آ کے تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہوگا جب آپ انڈر پاس دیکھتے ہوں گے، پل پہ پل، انڈر پاس پہ انڈر پاس، درخت ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ نہیں، اب تو ہر جگہ، اب اسلام آباد میں بھی بہت انڈر پاس بن رہے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایک کاٹیں تو 10 لگائیں۔ مسوما جی، مریض جو ہیں کیا حال چال ہے ان کا؟ وہ مریضوں سے پوچھے، مریض بیمار نہیں، وہ پیسے دیندے نے، اے لیندے نے، انہاں نے ٹھیک ہونا۔ نہیں مگر پھر بھی مریض بولتے نہیں، میرے مریض بچے ہوتے ہیں۔ کبھی ہوتی ہے فرمائش، کبھی کوئی عالم درد کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہو؟ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، راؤنڈز کے دوران پہچان جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ سنا دے، تو آپ سنا دیتی ہیں؟ مریض کہہ رہے ہیں کہ میں بچ جاواں گا، دیکھو کہتے نہیں لمبی جدا۔ یہ والا گانا تو یقیناً نہیں آپ سناتی ہوں گی، اور سناتی ہوں گی جی بالکل۔ کون سا گانا سناتی ہیں؟ یوزلی فرمائش ہمیشہ آتی ہے، بیکاز ریشما جی سے بہت کمپیریزن ہوتا ہے آواز کا، تو یوزلی پیرنٹس پہچانتے ہیں یا پھر بچے بھی کبھی کبھار پہچان جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ کون سا آپ سے گانا سنا جاتا ہے آپ کے ہاسپٹل کے اندر؟ میرے ہاسپٹل میں سب سے زیادہ ایک تو صوفیانہ کلام بہت سنتے ہیں لوگ، بیکاز آواز اس طرح کی ہے، اور اس کے علاوہ ریشما جی کی کمپیریزن بہت ہے، وے میں چوری چوری تیرے نال لا لیں، مطلب وے میں چوری چوری بندے کو اٹیک ہو رہا ہے اور بیچ میں وے میں چوری چوری، مسئلہ تو پورا کرو۔ 18 دن لگاتار ہاسپٹل رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ والی گل بابا، تو تو مریضاں دی گل بھی نہیں کرن دیندا یار۔ یار خان صاحب بتائیں، آپ رہے ہاسپٹل؟ میں 3 دن ایک رہے ہیں، 5 دن ایک رہے ہیں، پر جنوں آئی سی یو یو بڑا پڑھے لکھے نام دا آئی سی یو، اوئے ہوئے ہوئے، سجے پاسے ایک مریض آیا، انہیں لمبے سال ہے، میں کہ اللہ رحمت کرے، ادھے گھنٹے بعد انہوں نے دیوار کر دی تھی کپڑے دی تے لکڑی دی، وہ چلا گیا، میں کہ کی ہویا، کہندے بس وہ چلا گیا۔ اچھا مینوں ہور ہوکا وجیا۔ اچھا 40 منٹ بعد ایک اور مریض آیا، انہوں نے سارے سامان سمون لگے، میں گیا کہ پہلے بھی چلا گیا۔ اچھا 3 مریض ہو گیا، میں کہو یہ کیڑی وارڈ ہے، تو فرشتہ نہ آنا جانا ہی بڑا۔ بہت سے لوگوں نے پچھلے دنوں ہمیں لکھا اس بارے میں، اور خان صاحب سے متعلق، ان کی طبیعت کے متعلق، کہ ان کی طبیعت ناساز تھی، اور اس کے اوپر بہت سی سوشل میڈیا پہ بات چیت ہوئی، تو جن سب لوگوں نے ہم لوگوں کو لکھا اور مختلف جگہ پہ ہم سے سوالات کیے، ان کے لیے جواب صرف یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی فکر کی اس کا بہت بہت شکریہ، لیکن ایک بہت بڑے دل والے کومیڈین کا رپلائی صرف یہی ہو سکتا ہے جو کہ انہوں نے دیا، اور یہ صرف امان اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہم لوگوں کی خوشبختی ہے کہ ہم اس دور میں آرٹ سے، فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں خان صاحب جیسی living legends موجود۔ بالکل بالکل، I'm really honored کہ آج میں روزگار کو آسان بنا دیا، عنوان تھا میں مجھ کو بدعنوان بنا دیا، اے برکرو تمہاری اطاعت کی خیر ہو، جمہوری حکمراں کو ہی سلطان بنا دیا، مہنگے سے ریسٹورنٹ میں مجھ کو بلا لیا، مہمان تھا میں مجھ کو میزبان بنا دیا۔ یملا پگلا دیوانہ 15 تے کال کر دے، ڈاکٹر ہمارے پاس سیٹ پہ موجود ہیں آج، اور جس سے میرا خیال ہے میری کو وین ٹوٹ گئی۔ ویلکم بیک ٹو مذاق رات۔ توسیق بھائی، بڑا آپ کا ایک شائستہ رویہ ہے جو کہ اب بہت ریئر ہوتا جا رہا ہے ود اینکرنگ اینڈ ہوسٹنگ ان پاکستان، جو ایک روایت تھی وہ گر چکی ہوئی ہے یا ہم سے کھو گئی ہوئی ہے، مگر آپ نے اپنے پیر بڑے زبردست طریقے سے جمائے ہوئے ہیں۔ نہیں، پیر جمانے کی وجہ یہ ہے فیض صاحب کہ مجھے اور کچھ آتا نہیں ہے، مطلب سر وہ تو ان کو بھی نہیں آتا، مگر آپ کو تو کم از کم ایک کوئی جو یو نو دیٹ اسٹائل آف ہوسٹنگ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ، اینڈ کنسیڈرنگ کہ یہ ینگسٹرز بھی دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن، ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ سب دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ روایت قائم رکھنا اور ان کو بتانا کہ بیٹے آپ نے یہ تو کہنا ہوسٹنگ کرتے ہوئے ایک بڑی ہی ریڈیکولس بات ہے جو کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، چاہے آپ سے جتنا مرضی چھوٹا ہو یا آپ کا ہم اثر ہو، آپ کا ہم عمر بھی ہو، یہ تو کہہ کے آپ کیا بات کرتے ہیں کہ تم بات سنو، ارے یار کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ بیسک ایتھک ہے اور گفتگو۔ اصل میں وہ جو بیج ایز این اینکر بویا گیا تھا نا، تو فصل تو وہی تیار ہوتی ہے جو بیج بویا جائے، تو اب وہ میرے لیے اس طرح سے تو تڑاک کر کے بات کرنا یا وہ ایگریشن والی ہوسٹنگ کرنا جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بیج ہی فرق تھا، تو وہ بیج ہی ہے پیار محبت سے ہنستے کھیلتے شائستگی سے، آپ ہی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے بات کرنا، وہ اب ایگریشن والی اگر آپ مجھے ہوسٹنگ کہیں کہ ذرا 15 منٹ ایک شو ہوسٹ کر کے دکھائیں جس میں آپ
कहें ओ कैसी है तू, ठीक है, फिट है, सो वो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, वो अंदर है ही नहीं. तो जो अंदर होता है वही बाहर निकल, जो इंटरनली होता है वही होस्टिंग के अंदर बाहर आ जाता है. नॉट रियली, एक्वायर्ड भी होता है क्योंकि आजकल मार्केट में चल ही रहा है. तो सर मार्केट में चल रहा है मतलब ये क्या चल रहा हुआ कि हु गेव यू दैट राइट, तुम हो कौन, ये क्या एग्जैक्टली सर. इन दी जिंदगी जी तुम नहीं गए तो दरख्त नु भी कहने रहे आप कैसे हैं. मगर ये एक नफीस इंसान की निशानी है ये, आप करके बात करते हैं और आप उस पर कायम भी हैं. और एक और चीज जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी होस्टिंग में कि ही ऑलवेज गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब व्हाइल ही इज ऑन टीवी. क्या आपको लगता है जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि आपको लगता है कि आपको एक बड़ा भाई समझा रहा है, आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा है, ये आप बड़ा रखते हैं चाहे आपके सामने परफॉर्मर्स हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, यू ऑलवेज कीप दैट थिंग. मुझे याद आ रहा है मैं 2005-06 की बात है, पीटीवी पे मॉर्निंग शो किया करता था राइजिंग पाकिस्तान, जिसमें उस वक्त के वजीर आजम से लेके बड़े बड़े जी वड्डे भी आते थे और हम कभी कभी आम आदमी को भी बुलाते थे. तो हमने एक टैक्सी वाले को बुलाया और उससे पूरा एक घंटे का मैंने शो किया, सिर्फ उसका पर्सनैलिटी प्रोफाइल. शो के बाद वो मुझे गले लग के ना रो पड़ा. तो कहता है एंडी तुसी इज्जत दिती है, बड़ी मेहरबानी डैडी. साथ हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं इज्जत क्या आपसे तो गप लगा. कहते ने सारे प्रोग्राम छे ना मैंने जदों की गल की थी क्या आप ये बताइए. ये बताएं आपकी आवाज जो कि आपकी बड़ी जबरदस्त शनाख्त है जी, जो कि आप भी जानती हैं, आपने कई बार कहा भी दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर वॉइस, इट साउंड सो मैनली जी. जब आप मेल सिंगर्स के साथ गाना गा रही होती हैं कभी आपको फीलिंग हुई है कि अगला जरा कतरा रहा है कि पिच पे, और आप माशाल्लाह इतनी पिच पे जाके गाना शुरू कर देती हैं, तो होती है कभी कोई ऐसा आपको खुद लग रहा हो बोल नहीं रहा लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज. हाँ, वो बोल नहीं रहा होता लेकिन वो फिर समझ आ जाती है. समझ आ रही होती है तो इलाज से किस सिंगर के साथ ही समझ आई थी. खुदा के लिए नाम नहीं मैं बताऊंगी लेकिन बहुत ऐसे. चलिए आप नाम ना बताएं, हम आपको हम गेस करने की कोशिश करते हैं. वो सिंगर लाहौर से हैं जी. क्या वो सिंगर आजकल बहुत मशहूर हैं जी. क्या वो सिंगर कोक स्टूडियो में आपके साथ थे जी. हाँ हाँ, आई लाइक दिस, ये तो आसान होता जा रहा है. क्या वो सिंगर नेस्ले एवरीडे मिक्स चाय पीता है जी. क्या वो सिंगर यंग है जी. क्या वो सिंगर जब सोता है आंखें बंद करता है. क्या वो सिंगर जावेद बशीर या राहत फतेह अली खान है. नहीं नहीं है, यानी ये दोनों तो निकल गए बीच में से. अब और कौन से सिंगर थे इन्होंने रिसेंटली मासूमा के साथ गाना गाया. मैंने गेस करें ना, हमारे यंगस्टर्स बैठे. मैंने जावेद के साथ तो गाया है जावेद स्टूडियो में, बल्कि उनके खुद भी मुझे कहा था कि मेरी तुम्हारी पिच और तुम्हारी टोन मुझसे बहुत ज्यादा ऊंची है. दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज़ इट्स अ लिविंग लेजेंड. उनके साथ कंपैरिजंस नहीं है लेकिन बहुत से यंगस्टर्स जब गाते हैं, बहुत से नए सिंगर्स मेरे साथ जब गाते हैं तो नहीं गाते. नहीं कौन से किन की बात कर रही है. नाम नहीं बोलूंगी ना. नहीं तो मतलब क्या क्या चाहते हैं कि जो सुनने वाली ऑडियंस है वो भी सुनना छोड़ दे मुझे. क्यों मेरी वैसे भी बड़ी महदूद ऑडियंस है. मगर घबराहट होती है सिंगर्स को, ये आपने देखा हुआ है. बिल्कुल होती है. तो आप क्या करती है, अपना स्केल नीचे करती है या उनका ऊपर उठाने की कोशिश करती है. नहीं, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उनको कंफर्टेबल कर दूं. आपको नीचे आना पड़ता है. हां, वरना मैं उनको बोलती हूं कि आप अपना गाले में अपना गा लेते. अच्छा, आप अपना गाले में अपना गा लेती हूं, ये अच्छा है. आपको पता है इतना सीक्रेट सिंगर आप नाम नहीं ले रही, कितने ट्रंप नाल गाना तो नहीं हो रहा तुम्हारा. मासूमा ने नहीं बताया ये बहुत से सिंगर्स हैं. आई मीन लाइक नो बहुत से हैं, काफी सिंगर्स ऐसे हैं जो कि जावेद बशीर और राहत फतेह अली खान सब नहीं हैं. तो बाकी आप लोग खुद गूगल कर लीजिएगा कि रिसेंटली किसके किसके गाने जो हैं वो भी मासूमा के साथ रिलीज हुए और कौन उनमें से यंग हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा. और लाहौर से हैं. लाहौर से भी हैं, वो हमने बहुत नैरो डाउन कर दिया आपकी सर्च को. मासूमा, आपका कोक स्टूडियो में गाया हुआ गाना झलिया मुझे बहुत पसंद है, क्या ख्याल है. अगर अरे यासर भाई, पिछले दिनों भाभी की सालगिरह थी, क्या गिफ्ट दिया. मैंने उसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कहती है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नेस्ले एवरीडे खास मिक्स चाय का एक पैकेट ला दो. अरे वाह, यानी सेम लाइक मी. Baby. Good. I am unwell today. Why? Because of severe pain in my entire body. Oh, severe pain in your entire body? Yes, mainu badi jutiyan mariyan ne unne. Kinone? Mere landlord ne. Ab kya hua? Mainu kehnda hai mubarak hove. Tera kiraya double ho gaya.
मैं क्या सुते पे ही डबल हो गया? उन्हें कहते सुते पे यहाँ पेट्रोल महंगा नहीं हो गया? मगर मैं क्या चाचा तेरा कार पेट्रोल तो चलता? इस गातों ने मैंने छितर मारने शुरू की थे। तुमने कोई इलाज वगैरह कराया? Yes, और ये मैंने मेडिसिन तो मैं ली है। अच्छा ते ओ उन कहंदा कि मैंने 2 महीने का एडवांस कराया दे। अच्छा वो 7,000 रुपया बंदा हूँ। You know I'm very poor man. मैं कितू दिया? Oh भाई जदों आएगा इमरान करेंगे तेरे जान। रुको 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 बनेगा इमरान क्यों? ये कोई है अब पीटीआई दे? नहीं यार पीटीआई ऐसा नहीं है वो। I'm sorry you was looking like a पीटीआई दा बंदा। He is not the पीटीआई दा बंदा, he is a very famous anchor. Oh yes Tauseef Haider sir, acting de vich te singing de vich te koi un chance nahi reha. So could you please help me out? Bahut acche anchor sabit ho sakte hain. Mainu anchor percent bana de. Ki anchor person? Nahi anchor person nahi, she is a singer person who is a doctor person as well. Oh she is Masuma Anwar. Yes. Oh I'm sorry about that. Mangna te mainu bhul hi gaya. वापसी का किराया जो पा देना है ना। डिपेंड करता है गाना कितना अच्छा है। बिल्कुल सुनाओ भाई, सिंगर भी है सामने आज तो। ओ जट यमला पगला दवाना, जट यमला पगला दवाना, के रब्बा इतनी सी बात न माना कि तू मुझे प्यार करती है, तेरे उते तू मरती है। जट यमला पगला दीवाना 15 तक कॉल कर दे। डॉक्टर हमारे पास सेट पे मौजूद है आज। मेरा ख्याल है मेरी को वेन टूट गई। नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी। मैं नहीं, मुझे बड़ा आपका गाना अच्छा लगा। नहीं ऐसा ना करना। नहीं मैं सीरियस। नहीं 5,000 नहीं सर। 50 रुपए दे रहे हैं। 50 ले ले अबे, कुछ भी बहुत नहीं, पैसे बना नहीं करते। कुछ आ ही रहा है ना, जात नहीं रहा। 150 हो गया। नहीं बड़े नहीं सर, रहने दियो, पर्ची दे दियो। ओह माय गॉड, आज तो मेरा जनाजा ही जाएगा। मैंने जड़ी जनरेशन नहीं बड़ी फैन है तुम्हारी। बिल्कुल मतलब लाइक मी वो है नई जनरेशन जो बैठी हुई है। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। तौसीक भाई मुझे ये बताएं, आप लेक्चर्स भी देते हैं हमने सुना है, पॉलिटिकल हेड्स एज वेल, पार्लियामेंटेरियंस टू। पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रेनिंग्स में कराता हूं कि पॉलिटिशियंस को उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनकी मीडिया स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन। तो कभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी देने का मौका मिला आपको? रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों ने भी देखा होगा, बिलावल भुट्टो वाज इन स्विट्जरलैंड और वहां पे उन्होंने एक दो फोरम्स के ऊपर बोला। yes. आपको कैसी लगी उनकी? मुझे लगा कि वो बड़ा जबरदस्त। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा, मैं आई थिंक ही इज एन एक्सीलेंट पॉलिटिकल कम्युनिकेटर, और बिलावल को बहुत अच्छे अंदाज में आता है कि कहां किस अंदाज में बात कर रहे हैं। हमारे लीडरों की पहचान है, सब सुन ले, इंटेलेक्चुअल बहुत कम होते हैं। कम होते हैं, आपको भी समझ नहीं आया आप भी लीडर हैं। नहीं मगर वैसे ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल तो खैर एक बहुत ही खान साहब ऊपर की स्टेज है जहाँ पे जाना एक बेसिक डिलीवरी ऑफ पॉलिटिशियन जो है वही हो जाए बहुत है, मगर नहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके अंदर उनकी एक इंटरेक्शन इंडियन मीडिया के साथ भी थी, व्हिच आई थॉट वाज उन्होंने बड़ा तरीके से कितना जबरदस्त हैंडल किया। और वो आम फहम है कि वो यूजुअली हम लोग बिलावल भुट्टो साहब का जब भी जिक्र होता है तो हम उनकी उर्दू स्किल्स का मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी जगह है जो भी कि वो उनकी नहीं अगर तरबियत यहाँ पे हुई और इतनी उर्दू उनकी फ्लुएंट नहीं है, मगर इंग्लिश के अंदर मेरे ख्याल से वो जो लड़के ने कमाल पछाड़ा था बहुत अच्छा, क्योंकि वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंडियन जर्नलिस्ट है जिसको उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहीं से उसको वेस्टर्न डालने नहीं दिया। एग्जैक्टली वेस्टर्न किसी एंकर के साथ या वेस्टर्न मीडिया के साथ एग्जैक्टली तो ही नोज के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के तहत मुझे बिल्कुल तरह का जवाब, वेरी इंटरेस्टिंग, और पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तानी मीडिया के अंदाज में, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ा मुश्किल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे ये बताएं आपने एक जमाने में एक्टिंग भी की थी। अरे नादिया खान के साथ। बड़ी रिसर्च है आपकी सर। बस कुछ ऐसा ही है। तो ये नादिया खान के साथ एक्टिंग आपने की, उसके बाद आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? मुझे खुद ही इतनी बुरी लगी अपनी परफॉर्मेंस कि मैंने कहा अब लोगों को क्या मुसीबत में डालना, मतलब आई एम नॉट एन एक्टर। पहले शौक था, ऐसे ही शौकिया कर ली, और उसकी असल कहानी भी ये है कि उस ड्रामे के अंदर असल हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के नामवर, उन्होंने कास्ट हुए हुए थे
और वो लास्ट मोमेंट पे उनका कोई प्रोड्यूसर के साथ मसला हुआ और पूरी प्रोडक्शन तैयार थी, तो नादिया के साथ बहुत दोस्ती उस वक्त भी थी, अब भी है, तो नादिया ने कहा और प्रोड्यूसर ने कहा क्या हो तौसीफ यार तुम, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, वो इतनी पैड़ी मेरी परफॉर्मेंस थी, मैंने कहा यार अल्लाह माफ करे, मैंने अब लोगों को मगर ये आप लोगों को डिसाइड करने देते, आपने खुद ही से डिसाइड कर लिया, इन्होंने ड्रामा किया तो दरख्ता ना किया हूं साड़ी जान छड़ दियो। मासूमा आपने रिसेंटली भी एक नया गाना भी तैयार किया है, क्या ख्याल है? यार आज का दिन बड़ा मजेदार सी, आज साड़ी दौड़ सी ना, अच्छा हाँ आज स्पीडा सारियां चेक हो रही सन, वो फिर चार बंदियां नु शील्डा मिलिया, दो बंदियां नु कप मिले, मैनू चाह दा कप मिले, मैं भी खुशी खुशी कबूल कर लिया, भला क्यों क्यों एवरीडे दा सी ना, बहुत अच्छे यानी कप ही जीत कर आ गए तुम, जी हां मैं कह एवरीडे चाह पिया करांगे, ये अब तुम जाके अपने ड्राइंग रूम में लगाना, ना 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 ना, गिफ्ट जिहड़ा हुंदा ये दोस्त अजीज दा भाइयां वास्ते हुंदा, अच्छा मैं गिफ्ट देना चाहना अपने दोस्त नु, यू नो शी इज माय गुड फ्रेंड, ही सॉरी ए मैं तुम्हारे वास्ते लांदे, तुसी चाह पीनी है ते मैनु याद रखना जी, ठीक है एवरीडे, आज बड़ा मजा आया, बड़े मियां साहब बल गया, जाती उमरा हां जी वाह वाह, ओ राती मेनू ना जिन्होंने मैसेज कीता सी मियां साहब ने, यस बड़े मियां साहब ने, ओथे मैं गया जना तो उदास सुन घड़न बड़न चुप क्यों, अच्छा आई करके बैठे आए है, पहले मैं समझा फोटो लगी हुई है, आहा अच्छा मैं सलाम ही नहीं कीता, अच्छा ओ जसले हिले जुले तो मैं समझ गया मैं कोई ते बड़े मियां साहब ने, हां मारया सलूट ठा करके, आहा बड़े खुश हुए, मैंने कहते नहीं यार उदासी छाई हुई है, हाँ। ते टाइम पास दा कोई चारा कर, ओए होए होए मैं कहा सर तुसी हो साडे चारा घर, ओए होए होए इस गल ते इन्ना हसे कदी लम्मे पैण कदी उठ के बह जाण कदी लम्मे पैण कदी उठ के बह जाण, ओ मैं कि कोई गल हसण वाली ते नहीं, हां ते मैं ते कीती बेवकूफी, मैं कहंदे हैरान ना हो, आज कल मैं हर गल ते ही हस रहा, आई डोंट नो व्हाई बट इट इज ट्रू, उसले मैं नहीं समझ आई, ठीक है मैं कहा सर कोई क्लू दियो, क्लू दियो, हाँ मैंने कहंदे ने कि जवानी दे विच असी मोहम्मद रफी साहब दे बराबर बराबर गाया है, लेकिन सानू कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलया, असी फिर इधर आ गए, ओ फिर सिंगर दी दुनिया चले गए, लेकिन तू कोई ऐसा कार मेरे को है ने 2-4-5 साल 10 साल ते मेनू कोई करैक्टर एक्टर किधर दिलवा दे, फिल्म ते बन रही है ना मियां साहब एक्टिंग, यस मैनू कहंदे ने हुण ते लोग मशीनां ते गाना गा लैंदे ने, ते कोई ऐसी मशीन या लिया, ओ माशाल्लाह तुसी मेरी गल दी तौसीक करोगे यार, तौसीक साहब बिल्कुल माशाल्लाह, ये कित्थों फड़े जे यार, बड़े बिजी आदमी ने, उनको दावत दी हमने, अच्छा दावत दी है, हाँ खाना लग गया, नहीं खाने वाले नहीं अब वैसे बातचीत, अच्छा वैसे गपशप बस, हाँ यार बड़े जबरदस्त आदमी ने, आई नो वेरी वेल, अच्छा मैं इन्होंने बड़े प्रोग्राम देखे ने, लेकिन ये एक किताबी ने, किताबी लोग, किताबी लोग, हाँ किताबों के बड़ी बड़ी आ गल दसते ने बच्चों, वो फिर बच्चे तो बड़ा फायदा उठाते हैं, वाह वाह, कुछ खाधा पीता सर, बस चाय पिलवा दे, सर जी नैसले एवरीडे मिक्स चाय मजेदार थोड़े कोल पई है, ते पूरी फैमिली बच्चे कितने न बच्चे नहीं आए, बच्चे कौन से, नहीं फैमिली, ओ हो लो दसो यार, ओ मैं समझा भर जाइए, नहीं ना ना ना, वो तो मोहतरमा मासूमा अनवर साहब ने जी, मैं कहना जी ले दे गए हो तुसी, नवी जड़ी जनरेशन नहीं, बड़ी फैन है तुहाडी, बिल्कुल मतलब लाइक मी, वो है नई जनरेशन जो बैठी हुई है यार, मैं फोटो आप जिनसे लेनी उनसे पूछे, मुझसे ना पूछा करिए सर, इजाजत है अपनी या मेरे नाल, नहीं ओना नाल, अच्छा सर कट्ठी बना लेने, जी जी हाँ कट्ठी बना लेने, क्योंकि कट्ठी तस्वीर बनाना ना जी ये बरकत होंगी, ये मैं कितने जबरदस्त पॉलिटिशियन है शहबाज शरीफ साहब, और कौन से ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके बारे में बस हमें गलना बनी है, इमरान खान, इमरान खान साहब के बारे में इनका कहना है बहुत ही गलना बनी है, वेलकम
बैक टू मजाक रात। जी है ना, अजीब और गरीब क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों में चाय बनती है और हमारे पास ऐसे सॉस पैन होते हैं जिसमें 8 से 10 लोगों के लिए चाय बन जाती है, लेकिन नेस्ले एवरीडे ने एक ऐसा सॉस पैन बनाया है जिसमें हजारों लोगों के लिए चाय बन सकती है और इसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। और आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि नेस्ले एवरीडे की वजह से हमने पाकिस्तान का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा लिया है। दूसरी खबर है बीजिंग से, जहाँ एक रोलर कोस्टर रेस्टोरेंट ने बहुत ही धूम मचा रखी है और उस रेस्टोरेंट में कोई भी वेटर मौजूद नहीं है, लेकिन खाना आपकी टेबल पर 17 सेकंड्स में आ जाता है। 17 सेकंड? ये कैसे? एक ही खाना वन रोलर कोस्टर रेस्टोरेंट है ना। मतलब कुछ चीजें और उन्होंने बनाई होती है और फौरन से आपको सर्व कर देते हैं। वो रेस्टोरेंट और भी मशहूर हो सकता है। वो कैसे? अगर वहाँ नेस्ले एवरीडे खास मिक्स चाय मिले तो। सर, हमारा एक सेगमेंट होता है 2020 का, जिसके अंदर कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा एंड आई विल गिव यू ऑप्शंस, यू हैव टू पिक वन एज योर आंसर। तौसीफ हैदर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, ये बताइए, इनमें से किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे है तो आप फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मथीरा, ताहिर शाह और सनी लियोन। आई थिंक सनी लियोन। अच्छा, अगर दरख्तों तो हटके किसी और भी सोच रहे। ठीक है सर। सर ये बताएं, आपके पास 3 गुलाब के फूल हैं, वाइट, ब्लैक एंड रेड। अब आप इनमें से किसको कौन सा फूल देना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं दीपिका पादुकोण, रिहाम खान और कतरीना कैफ। रिहाम खान ब्लैक रोज। ब्लैक रोज। कतरीना कैफ। जी जी। व्हाइट रोज। अच्छा, दीपिका। दीपिका को रेड रोज देना चाहेंगे आप? ठीक है, आपने रणवीर सिंह के बाइसेप का साइज देखा हुआ है। सर ये बताइए कि आपका पर्सनल इंटरेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, या आपने उनको जो देखा हुआ है उसके मुताबिक आपने अपना फैसला करना है। एक ये कि बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन है, एक ये कि जबरदस्त पॉलिटिशियन है, और तीसरा ये कि बस ऐवी गल्ला बनिया ने। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो जो ऑप्शंस आपके पास हैं सर वो हैं जनाब आसिफ जरदारी, जनाब मियां शहबाज शरीफ और जनाब इमरान खान। बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन कौन है? आसिफ अली जरदारी। जबरदस्त पॉलिटिशियन बताइए अब। शहबाज शरीफ। और कौन से ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके बारे में बस ऐवी गल्ला बनिया ने? इमरान खान। इमरान खान साहब के बारे में इनका कहना है बहुत से गल्ला बनिया ने। अगला धरना पिंडी जे। मासूमा जी, जरा 5 खवातीन को रेट कीजिए सिंगिंग एबिलिटीज उनकी अकॉर्डिंग टू मासूमा अनवर। नाम आपके पास है वो है मोमना मुस्तहसन, क्यूबी, जोई विका जी, गुल पनरा एंड आयमा बेग। तो नंबर 1 पे कौन सी सिंगर हैं? क्यूबी। नंबर 2 पे कौन है? गुल पनरा। नंबर 3 पे? नंबर 3 पे आयमा बेग। आयमा बेग। नंबर 4 पे? जोई विका जी। नंबर 4 पे जोई विका जी। और 5वें नंबर पे कौन सी सिंगर? मोमना मुस्तहसन। मोमना मुस्तहसन डॉक्टर मासूमा अनवर की राय के मुताबिक 5वें नंबर पे सिंगर आती हैं। पिटवाएंगे मुझे। इनमें से कौन सबसे अच्छा सिंगर है? कौन अच्छा सिंगर है और किसके बारे में बसेमी बातें बनी हैं? नाम है आपके पास अली जफर, आतिफ असलम और अली सेठी। तो कौन में से बहुत अच्छा सिंगर है? कंसिडरिंग द फैक्ट आउट ऑफ 3 अली सेठी इज अ गुड सिंगर। कौन अच्छे सिंगर है? आतिफ असलम। और कौन सा सिंगर है जिसके बारे में बसेमी बातें बनी हैं? अली जफर साहब। आपके बारे में मासूमा अनवर समझती हैं कि बस ऐसी बातें बनी हुई हैं। मुझे हर एक से अभी अल्लाह। मैडम ये बताइए, आप भी फिल्म देखने जा रही हैं, 2 टिकट्स ली थी, 1 एक्स्ट्रा टिकट है आपके पास, इनमें से किसको अपने साथ टिकट पे लेके जाना चाहेंगी? आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी और फहद मुस्तफा। हमजा इज अ गुड फ्रेंड, हमजा अली अब्बासी के साथ चली जाऊंगी। हमजा अली अब्बासी के साथ जाएंगे? आपको पता है हमजा अली अब्बासी फिल्में नहीं देखते। इट्स ओके, ना देखें, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, मैं देख लूंगा। बहुत सारी तालियां मैडम के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मासूम अनवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। डीजे भाई आए ना जरा फिर मैदान में।